ओशो दे लैक्चर मनुखी हक्कां दा दिन मनाउण बारे। अनुच्छेद 1 सारे मनुख जन्म तो सुतंत्र हैं, ये बिल्कुल बकवास है। जेकर सारे मनुख जन्म तो सुतंत्र हैं तो बच्चे नूं सुतंत्र छड़ दिओ, वो 24 घंटियां दे अंदर मर जाएगा। इस जग विच मनुख दा बच्चा सब तो असहाय है। उहदे कोल की सुतंत्रता हो सकती है? वो बोल नहीं सकता, टुर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। सच तो यह है कि एक विज्ञानक दी ये धारणा सी ते मेरी इस धारणा दे नाल हमदर्दी है कि मनुख दा बच्चा अपने समय तो पहला पैदा हो जाता है। उन्होंने घट्टो घट्ट होर 9 महीने माँ के गर्भ च रहना चाहिए है, क्योंकि अजे वह पूरा नहीं होया, वो अधूरा है, वो जे विकासमान है। जानवरों के बच्चों को देखते हो, वो जमदे ही टुरन फिरन लग पैंदे ने, अपना भोजन लभन लगते हैं, वो बहुते आत्म निर्भर हैं। मनुख का बच्चा माँ बाप परिवार ते होर लोगों के सहारे तो बिना बच ही नहीं सकता। उहदी की सुतंत्रता हो सकती है? इसे नूं मैं कहना कि राजनीतिकां दे मकार दिमाग का हिस्सा है। ये तुहानूं एक ख्याल फड़ा दिंदा है कि तुहानूं सुतंत्रता की कोई लोड़ नहीं है। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਅਸਹਾਇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ 'ਚ ਵਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਖਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਾਈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਾ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। तू देर नाल क्यों आया? मैं आख्या, सुनो, तुहाडे इसी सवाल दे कारण मैं हुण विआह नहीं करांगा। उन्होंने कहा, कि विआह दा की संबंध है? मैं तुहानूं समझाउणा, मेरे आंढ गुआंढ 'च इह गल्लां मैं सदा सुणदा आया। हर पत्नी ये पुछ रही है, तुसीं कित्थे सी, देर नाल क्यों आए हो? ते मैं तय कर लिया कि मैं इन्हां सवालां दे जवाब नहीं देवांगा। तां मैं अपने जीवन दा बलिदान कर रिहा, खाली इसी सवाल के जवाब के कारण मैं विआह नहीं करन वाला। तो तुसीं सोचते हो कि मैं इहदा जवाब देवांगा? इहदी बजाय मैं दूजा विशा लैना पसंद करांगा। नमस्ते। उन्होंने क्लास 'च कहा, यह मुंडा बड़ा अजीब है, की असंगत गल्लां विचकार लिआउंदा है। विआह दा मेरे विषय नाल, भूगोल नाल की संबंध? लेकिन वह मेरे लिए बहुत इच्छुक हो गए। स्कूल तो पिछों उन्होंने मैनूं फड़ लिआ ते कहा, हुण असीं बैठ सकदे हां। मैं समझना चाहना कि गल की है, क्यों? मैं क्या, किसी नूं यह हक नहीं कि मैनूं पुछण दा कि मैनूं देर क्यों होई, मैं कित्थे सी। ये मेरा जीवन है, जे मैं इहनूं व्यर्थ गवाना चाहना तां यह मेरा हक है। तुसीं सिर्फ एक सेवक हो ते तुहानूं सिर्फ भूगोल पढ़ाउण लई रखिआ है। तुसीं इत्थे इहो जिहे सवाल पुछण लई नहीं बैठे हो। जिहड़ी मेरी सुतंत्रता नूं खोह लवे, मैनूं इहो जिहे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं स्कूल छड़ सकदा, मैं पढ़न दा ख्याल ही छड़ देंगा। ओदी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जीसस ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਬੀਰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। मेरी सुतंत्रता च इस तरह हर वेले विघन ना पाउणा। ते ये भाग पहला कहता कि सारे मनुख जन्म तो सुतंत्र हुंदे आ। ये मनुखता नूं सम्मोहित ते संस्कारित करन दीआं चालां ने। उन्हां ने तुहाडे अंदर एक ख्याल दिता है तुसीं जन्म तो सुतंत्र हो। हुण सुतंत्रता लई संघर्ष करन दी कोई लोड़ नहीं है, अंदरूनी क्रांति करन दी कोई लोड़ नहीं है। तो ये अंदरूनी क्रांति है जिहड़ी तुहानू सचमुच ही सुतंत्र कर देगी, हर चीज़ तो सुतंत्र, देह तो भी सुतंत्र, क्योंकि देह भी एक बंधन है। पूरब ये तो किते बहुता ईमानदार है, वो कहता है तुसी बंधन च पैदा होए हो, तुसी जन्म तो सुतंत्र नहीं हो। तुहाडी देह एक जेल है, तुहाडा मन ते दिमाग भी जेल है, तुहाडी चेतना बहुत निक्के जे हल्के च कैद है। तो तुहाडी चेतना की इन्नी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड नूं घेर लवे, पर तुहानू अपनी शक्ति का पता नहीं है। तो तुसी सोचते हो कि तुसी सिर्फ इन्ने ही हो। मेरी नज़र च ये लोग अपराधी ने, ये उन्हां लोगों तो भी वड्डे अपराधी ने जिहड़े फांसी चढ़दे हन, क्योंकि ये तो पूरी मनुखता नूं धोखा दे रहे है। लेकिन इहदे च जिहड़ा धोखा है वो वड्डी चलाकी नाल दिता गया है। तुसी जन्म तो सुतंत्र हो, सुभाविक है। तो सुतंत्रता कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई निर्मित करन दी, अर्जित करन दी गल नहीं है। फिर उहदे पात्र लायक होण दी, उहदे लई अपनी योग्यता बनाउण दी कोई जरूरत ही नहीं है। तुसी सुतंत्र हो। पूरे इतिहास विच जॉर्ज गुरजेफ ही एक अजिहा आदमी है जिन्हें बहुत ही अर्थपूर्ण गल कही है, तुहाडे कोल आत्मा नहीं है। हुण पूरी दुनिया च सारे धर्मां दा विश्वास है कि तुहाडे कोल आत्मा है, तुसी आत्मा लैके ही पैदा हुंदे हो। इस पूरे इतिहास विच जॉर्ज गुरजेफ दी इकल्ली आवाज़ गूंजी है कि सारे मनुक्खां च आत्मा नहीं हुंदी, उहदी आत्मा दी वेदी खाली हुंदी है। हाँ, इहदी संभावना है कि तुसी मेहनत कर सकदे हो, आत्मा नूं निर्मित कर सकदे हो, पर तुसी उहनूं लैके पैदा नहीं हुंदे। मैं जानदा ते गुरजेफ भी जानदा कि तुसी आत्मा लैके ही पैदा हुंदे हो, लेकिन इस धारणा दे मनण नाल साडा कोई फायदा नहीं होया। उहने आदमी नूं होर बेहोश बना दिता है। जे असी आत्मा लैके पैदा ही होए हां तां परमात्मा तुहाडे अंदर है ते ईश्वर दा राज तुहाडे अंदर है। तां हुण तुहानूं होर करना की है? जिहड़ियां चीज़ां तुहाडे अंदर नहीं हन उहनां नूं पाउण दे लई सख्त मेहनत करो। धन है, सत्ता है, मान सत्कार है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहता कि हर बच्चा धन नूं लैके ही पैदा हुंदा है, हर बच्चा मान सत्कार दे नाल ही पैदा हुंदा है, अजिहा कोई नहीं कहेगा। ये चीज़ां इकट्ठियां करनियां पैंदियां ने। सुतंत्रता, चैतन्य, ईश्वर, तुसी कुछ भी ना दिओ, इनू लभना पैंदा है। वो असलीयत गूढ़ी नींद च सुत्ती होई हुंदी है, अंतर ध्यान हुंदी है, उन्होंने चालू करना पैंदा, खूब पक्का करना पैंदा है, उन्होंने खिड़िया होया तो बहुत फल देने वाला करना पैंदा है। लेकिन लोगों नूं ये कहना कि तुसी जन्म तो ही सुतंत्र हो ते तुहाडी महिमा ते हक बराबर हन, लोग इस तरह सोहणे सोहणे शब्दां दी वरतों करके कुशलता नाल झूठ बोली जांदे ने ते उन्हां शब्दां नूं नष्ट कर दिंदे ने। कोई बराबर नहीं है। एक मनोविग्यानक सत्य है, ना तां तुसी तुहाडे सरीर दे तल ते, ना मन दे तल ते, ना तुहाडे गुणां विच ते ना प्रतिभावां विच बराबरी है। सिगमंड फ्राइड बर्ट्रांड रसेल है, डी एच लॉरेंस है। दूजा D.H. लॉरेंस ना कदे होया सी, ना कदे होएगा। हर मनुख एकांकी है। बराबरी दी ये धारणा इन्नी क्रूप है, लेकिन अज दे मनुख दा एक करीब करीब धर्म बन गया है, समानता, बराबरी। मैं तुहानूं आखदा एक बहुत ही संघातक जान लैण वाली धारणा है जिहड़ी मनुख दे मन च प्रवेश कर गई है। तुहानूं अपने अनोखेपन का, अपने एकांकीपन का स्मरण दिवाना जरूरी है। सारे मनुख अंतःकरण ते बुद्धि दे गुणां नाल भरे हुंदे हन, उहनां नूं एक दूजे दे नाल भाईचारे का विहार करना चाहीदा है। ये सारियां खाली मानतावां ने जिहड़ियां कोई मुनासिब उपा नहीं हन। सारे मनुक्खां दे कोल बुद्धि नहीं हुंदी, वो बुद्धि नाल भरे पूरे नहीं हुंदे। उदाहरण दे लई अजे लोग बहुत थोड़े जे हन। मैं हुणे बर्ट्रांड रसेल दा नाम लिया। उन्होंने बुद्धि नाल सजिया सुमरिया किया जा सकता है, जां जे कृष्णमूर्ति ने। लेकिन सधारण लोग तो सारे तरह के अंधविश्वासों च जी रहे हैं। जब ताईं तुसी सारे अपने अंधविश्वास छड़ नहीं देंदे तद ताईं तुहानूं बुद्धिमान आदमी कहना ठीक नहीं है। बुद्धि का मतलब की हुंदा है? हिंदुआं लई गऊ माता है, ये बुद्धि। मैं एक शंकराचार्य नाल गल कर रहा सी, जिहड़े कि हिंदुआं दे पोप हुंदे ने। तो मैं उन्होंने पूछया, तुहानूं इस गल का पक्का भरोसा है कि गऊ आप दी माता है? बोले, की मतलब? मैं क्या हुणे मंदिर च दाखल होने वेले मैनूं तुहाडी माता जी मिली, वो इस्त्री है जां गऊ है, जां शायद दोहां च एक तुहाडी मतरेई माँ है। वो बोले, तुसी किहो जिहियां गल्लां कर रहे हो? ये इस्त्री मेरी जीवनदात्री माँ है, लेकिन गऊ मेरी अध्यात्मक माँ है। मैं क्या, बाप रे, फिर बलद का की होएगा? तुहाडा बलद नाल भी कोई रिश्ता होना चाहिए कि नहीं? वो की है? तुहाडा अध्यात्मक पिता। तो तुसी की हो? सिर्फ एक बलद, या फिर तुहानूं खस्सी कर दिता गया, तुसी हुण बलद भी नहीं रहे? तुसी अंधविश्वासां नूं छाती नाल लाई जिउंदे हो ते उपरों बुद्धि दी गलबात करदे हो। सारे ईसाई मंदे ने ते राजनीतिक लोकां दे जिस गुट ने एलानिया खत तैयार कीता है उन्हां च 90% ईसाई हन कि जीसस कुआरी माँ तो पैदा होए ने ते ओह सारे बुद्धिमान मनुख हन। अजिहा होया कॉलेज विच पढ़न वाली एक कुड़ी गर्भवती हो गई। उन्हें गल लुकाउण दी कोशिश की, लेकिन कुछ गल्लां अजिहियां हुंदियां जिहड़ियां लुकाओ भी तां नहीं लुकदियां। उहदे च इक है सत्य, दूजी है गर्भाधान। ये गल ही असंभव है, गर्भ दिन ब दिन वड्डा हुंदा जांदा है। आखिर उहदी माँ नूं पता लग ही गया। उन्हें पूछया, मामला की है? उस कुड़ी नूं सच्ची गल कहनी पई। माँ नूं अपने डॉक्टर कोल लै गई। डॉक्टर ने उहदी जांच कीती ते जांच करन तों पहलां ही कहा कि इहनूं 8 महीनों का गर्भ है, हुण गर्भपात संभव नहीं है। वो मां कुड़ी नूं बुरा भला कहन लगी, तू साडे नाम नूं कलंक ला दिता, समाज च साडी इज्जत मिट्टी च रोल दिती। वो कुड़ी बोली, लेकिन मां मैं तां किसी मुंडे नूं हथ भी नहीं लाया, मैं गर्भवती किवें हो सकदी है? संभव है? ये सुन के डॉक्टर अपनी कुर्सी तो उठ्या, नेड़े वाली खिड़की दे कोल गया ते आकाश वल वेखण लगा। मां ने पूछया, तुसीं उत्थे क्यों वेख रहे हो? उहने कहा कि मैं पूरब तो आउण वाले 3 महापुरखां दी इंतजार कर रहा। उहने कहा, कि मतलब? ਉਹ ਬਲਿਆ, मैं उस तारे ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਟੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਜਨਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀਵਾਦਿਤਾ? ਜੀਸਸ ਕੁਆਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, वो फिर पुनर्जीवित भी हुंदे ने, मुर्दियां नूं जिंदा कर दिंदे ने। ते इह ओह आधारशिलावां हन जिन्हां उत्ते किसी ईसाई दी शरदा खलोती हुंदी है। तुसीं उहनां विचों कुछ गल्लां वखरियां कर लओ, तुहानूं वड्डी हैरानी होएगी। तुहानूं विखाई देगा कि ईसाईयत सब तो अधार्मिक धर्म है, धार्मिकता दी दृष्टि नाल दरिद्रतम। कुआरी मां तो जन्म, जेकर तुसीं बुद्धिमान हो तां रद्द कर दिओ। पुनर्जीवन, जेकर तुसी तर्कपूर्ण हो तो रद्द कर दिओ। मुर्दियां नूं जिउंदा करना रद्द कर दिओ। पानी नूं शराब विच बदलना सिर्फ रद्द ही ना करो, बल्कि उस आदमी नूं लभ के पुलिस के हवाले कर दिओ, क्योंकि चमत्कार नहीं है, जुर्म है। पर जेकर ये सारियां गल्लां रद्द कर दित्तियां गईयां तां ईसाईयत की बचदा है? यही ईसाईयत की दरिद्रता है। बुद्ध धर्म च तुसी कुछ भी रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी अंधविश्वास उत्ते आधारित नहीं है। बुद्ध ने खुद ही उन्हां गल्लां नूं वखरियां कर दिता है जिन्हां तों अंधविश्वासां दी बदबू आउंदी सी। बुद्ध धर्म विशुद्ध बुद्धिवाद, शुद्ध तर्क है। ते अजिहा कहना कि मनुख दे कोल जन्म तो ही बुद्धि हुंदी है, अजिहा लगदा नहीं है। जग ते एक नज़र पा के वेखण नाल अजिहा लगदा नहीं है। ये वड्डा बुद्धि संगत जग है। असीं बुद्धि दे हिसाब नाल नहीं जिउंदे, असीं सब तरह दीयां बुद्धिहीन गल्लां दे हिसाब नाल जिउंदे हां। लेकिन ये शब्द बहुत मिठे लगते हैं, इन्हों मनन लई मन करता है कि तुसी बुद्धि नाल सजे समरे हो, तुसी जिन्ने मूड़ होवोगे उन्नी छेती ते उन्हें ज़्यादा विश्वास करना चाहोगे। तो अंतःकरण तो एक दूजे के नाल भाईचारे का विहार करना चाहिए। अंतःकरण केवल गहरे ध्यान के पिछों पैदा होता है, उस तो पहला कदे नहीं। वो ध्यान की खिड़ियापन है। पूरे इतिहास में पूरे जग च बहुत थोड़े जे लोग सुचेतन हुए ने, अंतःकरण को प्राप्त कर पाए ने। दोहां शब्दों का अर्थ एको ही है, लेकिन धार्मिक लोगों के कारण फ्रेंच भाषा को छड़ के होर सारिया भाषावां विच इन्हां दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ निर्मित हो गए हैं। सिर्फ फ्रेंच भाषा अंतःकरण ते चेतना दे लई इक्को ही शब्द है, उहदे च उन्हां दा अर्थ एक ही हुंदा है। धन्नवाद।